We'll start with deadlift. तो आज पहला वर्कआउट जो हम लोग कर टुडे वी आर डूइंग बैक का वर्कआउट, बैक का एक्सरसाइज हम करेंगे। तो शुरू हम लोग करेंगे आज डेडलिफ्ट से। ये डेडलिफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और डेडलिफ्ट में हम लोग ऐसे बार यूज़ करते हैं, बारबेल, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं है। तो डेडलिफ्ट के बारे में सुमित अच्छे से बोलेगा कि होता क्या है, कैसे क्या करना है, सब सुमित बोलेगा। पहले डेडलिफ्ट, अच्छा मैं एक डेथ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट इन्वेंट हुआ था 1900s में, ठीक है, इन बिटवीन 1900 टू 1910 के बीच, एकदम करेक्ट वो नहीं है। एक बात क्या है, डेडलिफ्ट का इन्वेंटर जो था ये कोई एक्सरसाइज के लिए नहीं इन्वेंट हुआ था, ये एक्चुअली तब पॉपुलर था। अभी जैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग शोज, पावर लिफ्टिंग शोज पॉपुलर है ना, तब क्या होता है प्योर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए सर्कस हुआ करता था। जैसे हम लोग सर्कस देखते हैं, एनिमल सर्कस है, दूसरा सर्कस, तब क्या होता है स्ट्रेंथ सर्कस हुआ करता था। उसमें क्या होता था, मतलब वर्ल्ड का जैसे कोई स्ट्रेंथ एथलीट वह स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस देता था, तो तब इन्वेंट हुआ था ये। अच्छा, तो ये जिम में इन्वेंट नहीं, तो डेडलिफ्ट जो है वो जिम में इन्वेंट नहीं हुआ था, सर्कस में इन्वॉल्व हुआ था। आज मुझे पहली बार पता चला, ये इतने साल से डेडलिफ्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं चला था। तो ये बहुत पॉपुलर हो गया था 1910 से 1930 के बीच। और वहाँ क्या होता था, जब बॉडी बिल्डिंग शुरू हुआ तो धीरे धीरे बॉडी बिल्डर्स ने ये लिफ्ट अच्छा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया उनको फॉलो करके, बॉडी बिल्डिंग। ओके, तो इस डेडलिफ्ट मतलब ये कैसे प्रॉपर जो पोस्चर है ये सब आप बता दीजिए कैसे। एक्चुअली हाँ, डेडलिफ्ट इसका जो स्टैंड है, ठीक है, तो सब ऐसे तो आप स्टैंड ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग मैन स्टैंड होता है, थोड़ा वाइड होता है या थोड़ा तो, लेकिन प्रॉपर डेडलिफ्ट का जो स्टैंड है आपका हिप्स अबाउट डिस्टेंस में आपको खड़ा होना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज स्टैंड है मैं वो बता रहा हूँ, जो कन्वेंशनल हिप्स अबाउट स्टैंड में आपको खड़ा होना है और जस्ट आपका चिन बोन का बाहर आपका ग्रिप लेना है। जो ये होता है शिन बोन का बाहर जस्ट ग्रिप लेना है। और एक बात, आपका जो बार का डिस्टेंस है, बार का डिस्टेंस ज्यादा आगे नहीं लाना है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस आप रख सकते हो, उससे आगे नहीं लाना है। वो क्या होगा, नहीं तो आपका कम मतलब बैक में ज्यादा लोड पड़ेगा, जितना क्लोज रखेंगे बार को उतना बैक में कम लोड पड़ेगा। जो बार है, बार से और सीम का जो डिस्टेंस है मिनिमम 1 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए व्हेन यू स्टैंड, जब आप लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद होल्ड द ग्रिप, देन अब क्या होगा, आपका जो हिप्स है, हिप्स जस्ट थोड़ा नीचे रहेगा, हल्का सा, ये आपका नी को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। अगर नी को क्रॉस होता, नी क्रॉस होता है तो वो स्क्वाट पोजिशन हो जाएगा, तो आपको नी का ऊपर रखना है हिप्स को। और क्या करना है, ये जो आपका हैंड पोजिशन है इसको थोड़ा सा बाइसेप्स को आगे की तरफ मूव कराना है। तो क्या होगा, आपका जो स्कैपुला है, ये जो मसल है इधर शोल्डर प्लेट जो मसल बोलते हैं हम लोग, तो ये अच्छे से रिट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ग्रिप लेने के बाद आपको थोड़ा सा बाइसेप्स को फ्रंट फेसिंग में रखना है, घुमा देना है। फिर तो क्या होगा, आपका लोड इधर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक को न्यूट्रल पोजिशन में रखना है और चेस्ट को अप रखना है, फॉरवर्ड फेसिंग रखना है, ताकि पूरा बॉडी अच्छा से स्टिफ रहे, कोई भी आर्क नहीं आए बैक को। बैक बेसिकली बैक शुड बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे नहीं। बहुत लोग ऐसे होते कि उन लोग को पता नहीं है प्रॉपरली कैसे करना होता है, बहुत ज़्यादा वेट लगा लेगा, बैक ऐसे होगा और जोर जबरदस्ती वेट उठाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक कर्वेचर देखिए, आप थोड़ा जरा ये देखिए, एकदम न्यूट्रल पोजीशन में है बैक। अब क्या करना है, जो हम लोग डेडलिफ्ट जब फर्स्ट पुल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पुल। ये जो जब जब बार मूव होगा शुरू होगा, ठीक है, फर्स्ट पुल में क्या करना है, आपको यहाँ लोड कभी भी नहीं लाना है। तो क्या करना है, आपको ये जो बैक है, ये बैक मसल में आपका पूरा वेट का लोड रखना है और बैक से पुल करना है,
बैक से पुल करना, बैक से पुल करना और जो लोअर करना और जो लोअर बॉडी, लोअर बॉडी है तो उसको लूज करना। ये दो मोशन एक साथ काम करेगा। हमेशा याद रखिए कि अकेला बैक का पावर से आप कभी भी हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप लेग प्रेस करते हैं ना, सोचिए आप फ्लोर को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हैमस्ट्रिंग और आपका हिल से एक साथ काम होगा, फ्लोर को भी आप प्रेस करेंगे और बैक को भी पुल करेंगे एक साथ, तो बोथ एक साथ काम करेंगे। बैक को भी टाइट रखना है, अपर बैक से लोड लेके एक काइनेटिक चेन आपको यूज करना होगा। चलिए तो एक मिनट मान लेते हैं। ये काइनेटिक चेन रेडी हो चुका है। अब जब ये प्रेस करेंगे फ्लोर पे, तब बैक और हैमस्ट्रिंग और आपका हील एक साथ काम करेगा, तीनों मसल एकदम परफेक्ट। और ऊपर आने के बाद ब्रीथ आउट और पूरा टाइम कोर टाइट रहेगा, कोर टाइट। और एक बार हाँ, लोग क्या करते हैं, ये जो नेक है, नेक को हाइपर एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे आप लिफ्ट कर रहे हैं ये ऐसा हो जाता है। अब एक फॉर्म, रॉन्ग फॉर्म करके बताइए, ऊपर रखिए, नेक को ऊपर रखिए। हाँ, ये पोजीशन में कभी डेड लिफ्ट नहीं करना है, इसमें ट्रेपेजियस में बहुत लोड पड़ जाता है। आपको हमेशा न्यूट्रल नेक रखना चाहिए, मतलब सीधा आगे देखिए। जब आप पुल कर रहे हैं आपका नेक कभी भी मूव नहीं होना चाहिए, नेक एकदम न्यूट्रल। हाँ, और बहुत लोग इससे ऐसे ऐसे करता रहता है। यस, इट शुड बी स्टेबल, पूरा स्टेबल रखना होता है, राइट। एक और चीज़ है जो सुमित बताएगा, क्या था वो? हाँ, और एक बात, ये जैसे फर्स्ट पुल नहीं तक होता है, फिर होता है लॉकआउट, इसे हम लॉकआउट बोलते हैं। जब क्या करते हैं, शोल्डर ब्लेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ लॉक कर देते हैं और चेस्ट को आगे। तो लोग क्या करते हैं लॉकआउट के टाइम पे ऐसे करके हाइपर एक्सटेंशन कर देते हैं। हाँ, ऐसे आगे बहुत रिस्की होता है, बहुत जगह इंजरी होता है। हाँ, लोअर बैक में बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये आपका लंबर का वर्कआउट है। हाँ, लंबर का वर्कआउट है, लंबर का नहीं। अगर सर ऐसे करोगे, यहाँ पे जो स्पाइन के लास्ट, इसको बोलते हैं लंबर, एल। तो आप जोर जबरदस्ती ऐसे ऐसे करते रहते हो, कोई फायदा नहीं। और आजकल देखा जाता है यहाँ से हेल्प लिया जाता है। और ऐसे एक्सटेंड करते रहे, ये तो एकदम कोई फायदा नहीं, वेट उतना ही लीजिए जितना आपका बॉडी अलाउ कर। जो आपका बहुत लोग एक्चुअली रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देखते हैं यूट्यूब चैनल्स में कि बहुत हैवी मारते, वो लोग एक या दो दिन में नहीं करते, ये सालों का ट्रेनिंग है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, इट्स प्रोग्रेसिव लोडिंग, राइट। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेट लिफ्टिंग करना है तो ये सब बंद कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, सही है, पहले दिन 20, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके ही करते। मेरा इतना साल हो गया, अभी भी मैं, मेरा गोल वैसे भी पावर लिफ्टिंग नहीं है, आई एम ए बॉडी बिल्डर, तो मुझे उतना हैवी वेट का जरूरी नहीं है, डेडलिफ्ट का जो भी है, मैं 120-140 के आसपास ही खेलता था पहले, जब था बहुत यंग, अभी भी यंग हूँ, बूढ़ा नहीं हो गया, लेकिन पहले थोड़ा हैवी मारता था, अभी लेकिन थोड़ा बहुत जैसे पता चला द डिफरेंस बिटवीन पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग, तो मैं अपने हिसाब से वर्कआउट करता हूँ। तो यही था डेडलिफ्ट का, यही था, यही जनरल है और डेप्थ है वो हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक न्यू लड़का है जो जिम ज्वाइन किया है, उसको अगर डेडलिफ्ट करना है तो ये बेसिक्स उसको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत लोग मुझे एडवांस के लिए भी पूछ रहा था, बनाएंगे एक वर्कआउट सीरीज बाद। तो अभी डेडलिफ्ट का हो गया खत्म, ठीक है। तो और